डियर स्टूडेंट्स, आज का 90th एपिसोड यानी 6 टॉपिक 6 सब्जेक्ट्स वाला 90वां एपिसोड आ चुका है। ये एपिसोड हमने कल ही आपको कम्युनिटी टैब के थ्रू भेज दिया था, क्योंकि हमें लग रहा था कि थोड़ा डिले होगा, तो हमने कम्युनिटी टैब के थ्रू, ये यूट्यूब हर यूट्यूबर को एक टैब देता है यानी पोस्ट भेजने का एक साधन उपलब्ध कराता है जिसे कम्युनिटी टैब कहते हैं, जो सब्सक्राइबर्स तक सीधे पहुँचता है। तो ये हमने कम्युनिटी टैब के थ्रू आपको पहले ही भेज दिया था, उम्मीद है कि आप सबों को ये मिला होगा। अब देखिए, इसके आज के ये टॉपिक्स रिटर्न फॉर्म में भी हम आपको दे रहे हैं, ये आप देख लें, थोड़ी बहुत इस पर हम लोग चर्चाएं भी कर लेते हैं ताकि आप जो नए स्टूडेंट्स हैं वो इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ें, ये समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक्स हमें पढ़ना कैसे है। सिर्फ नंबर्स देख लेने से काम नहीं चलेगा, आप रीडिंग दे दें ये सही नहीं है, बल्कि ये रीडिंग कैसे दें इसे समझना ज़रूरी है। टॉपिक्स में क्या महत्वपूर्ण पक्ष हैं, उसका डेप्थ कहाँ पर है, ये समझना ज़रूरी है। इसलिए हम आपको इस पर थोड़ा सा गाइडलाइन दे देते हैं, हालांकि पेजेस में सब कुछ दिए हुए हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट आप ले लें इसके, ये इस तरह का 90th एपिसोड है आज का, जिसमें 6 टॉपिक्स लिए गए हैं। अगर आप देखें तो ये 6 टॉपिक्स में हमने हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य को सस्टेन किया है। मौर्य साम्राज्य बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे हमने आज फिर आपको दिया है। आपने अगर इसमें कुछ छोड़ा है या हड़बड़ी में थोड़े निकल गए हैं तो इसे फिर से आप पढ़ें। कितने पेजेस हैं, 2 पेजेस या 3 पेजेस, तो इसे आप 2-3 बार पढ़ें तभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में जानते हुए प्रश्न आपसे गलत होंगे। तो कारण यही है कि रिविज़न की कमी के कारण ऐसा होता है, तो आप इसे बार बार पढ़ें, 2-3 बार पढ़ लें। दूसरा टॉपिक हमने गवर्नर जनरल से लिया है, गवर्नर जनरल हम लोग 1858 तक हमने लिया था, अब जो आधा बचा हुआ पार्ट है उसे करेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे ऐसे गवर्नर जनरल्स आए जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण, जिनके समय घटनाक्रम घटे। अब देखिए, इसमें ही आप पहला जो पढ़ेंगे कैनिंग का पढ़ेंगे, लॉर्ड कैनिंग 1856 में आया, उसके बाद इसके कार्यकाल में 1857 का महासंग्राम हुआ, 1858 का एक्ट आया जिसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस कहते हैं। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ले लिया गया और अब क्राउन यानी ब्रिटिश ताज के अधीन भारत का शासन आ गया, और इसीलिए अब गवर्नर जनरल नहीं वायसराय शब्द यूज होने लगा। तो ये सब आप पढ़ेंगे। 1861 का बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आता है, भारत में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, कई सारी बातें हैं, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा है हमारा ज्योग्राफी का, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, फिर से आया है, छोटा टॉपिक है, मात्र 1 पेज में। इसमें अलग अलग जो धरती के लेयर्स हैं इन्हें आपको समझना है, पूरी धरती चट्टानों से बनी हुई है, इसमें लेयर्स में आयरन, सल्फर, कॉपर, लोहा, ये सारा जो डिपॉजिट्स है कहाँ कहाँ पर कैसा है, किस रूप में है, इसे समझना है। तो इसको सियाल, सीमे, सीमा और नीफे 3 पार्ट में बांटकर इसे आप समझने का प्रयास करें, प्लस अर्थ क्रस्ट जो भूपृष्ठ है उसका बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है, इसे समझना है आपको। कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट पे और टोटल डिपॉजिट्स में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट, तो ये आप करें। उसके बाद पॉलिटी में जो चौथा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, मूल अधिकार जबरदस्ती लिया जाता है, ये आपका अधिकार है, आप सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि देना ही होगा, लेकिन नीति निर्देशक तत्व सलाह है, सजेशन है, ये नीति के निर्देशक तत्व हैं, सरकार को कुछ सलाह है कि आप ऐसे कार्य करें समाज के हित में, तो इसे आपको समझना। आर्टिकल 36 के से आर्टिकल 51 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग चार आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपको पढ़ना है। इसमें पंचायती राज है के मजदूरों के साथ उद्योगपतियों का, उद्योगों का साझा किस तरह से हो, पर्यावरण, राष्ट्रीय हित, ये सारी बातें इसमें, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सब आपको इसमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल वाइज आपको समझना होगा। इसमें साइंस का एक टॉपिक हम लोगों ने लाइट लिया है, प्रकाश, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिजिक्स का ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें आपको लाइट के अलग अलग पक्ष, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, अब छड़ी पानी के अंदर टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, प्रिज्म से 7 प्रकार के प्रकाश क्यों विक्षेपित हो जाते हैं, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दर्पण और लेंस में क्या अंतर है, तो ये सब आप समझेंगे। कार के हेडलाइट में
कौन सा दर्पण या लेंस लगा होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, अस्पष्ट दृष्टि के लिए, क्लियर विजन के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कोई भी वस्तु अगर साफ आपको देखना है तो उसके लिए कितने डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, ये सब पढ़ने का प्रयास करेंगे आप साइंस में। और लास्ट में हमारा टॉपिक है बिहार पे, बिहार में यूरोपियंस का आगमन, पुर्तगीज, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश कौन कौन आए, क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं थी, कहाँ फैक्ट्रियां स्थापित हुई, क्या ये व्यापार करते थे, तो इसे आप समझें। इसमें तो सिर्फ क्राउन का हम पेजेस दे पाते हैं, लूसेंट जिनके पास है लूसेंट पढ़ें, या केबीसी नैनो, इम्तियाज अहमद, व्हाटएवर, जो भी आपके पास बिहार स्पेशल है आप उसे पढ़ें। तो ये 6 टॉपिक्स आज के आपको दिए गए हैं, इसमें एक भी टॉपिक हम नहीं कहेंगे कि ऐसा है जिसे आप स्किप कर सकते हैं। अगर इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप मान कर चलें कि एग्ज़ाम में इसका आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो बस रिवीजन इसे अच्छे से करें, हमें आज इजाज़त दें, एक नए सेट को लेकर आएंगे आपके लिए, बड़ा इम्पॉर्टेंट सेट, इम्पॉर्टेंट है, आप इसे बनाकर ये जानेंगे कि आज के दिन आपकी तैयारी कैसी है। टेक केयर।